गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पीसी को सेटअप कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद हम पाइचाम आईडीई को डाउनलोड इंस्टॉल एंड सेटअप करेंगे अपने पीसी के अंदर, जिससे कि आप बिना किसी एरर फेस करे अपने पाइथन प्रोग्राम्स को इजिली रन कर सको और पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सको। तो पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, देन आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा www.python.org/download। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, देन पाइथन इंटरप्रेटर के लेटेस्ट वर्जन 3.11.2 को डाउनलोड करने के लिए आपको इस येलो कलर के डाउनलोड पाइथन बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको डाउनलोड लोकेशन पर चलना है और पाइथन इंटरप्रेटर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर की सेटअप विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यहां से आपको एड पाइथन डॉट exe टू पाथ इसे टिक कर देना है और यहां पर आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपकी ये सभी बॉक्सेस टिक होने चाहिए। इन सभी सेटिंग्स को मैच करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन पर आपको फर्स्ट वाले बॉक्स को टिक कर देना है और टिक करने के बाद आपको इन सभी सेटिंग्स को मैच कर लेना है और मैच करने के बाद आपको इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पाइथन सेटअप प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर देना है और दोबारा से अपने ब्राउजर पर चलना है, न्यू टैब ओपन करनी है एंड अब यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइचाम डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फर्स्ट लिंक मिलेगा www.jetbrains.com/pycharm/download। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पाइचाम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद पाइचाम आईडीई को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करने के लिए आपको कम्युनिटी वर्जन के नीचे ब्लैक कलर के डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर आपके सिस्टम के अंदर पाइचाम आईडी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपने ब्राउजर को क्लोज कर देना है और अपनी डाउनलोड लोकेशन पर आकर पाइचाम आईडी को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पाइचाम एप्लीकेशन के आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। यहां से पाइचाम कम्युनिटी एडिशन का सेटअप विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, अगेन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां से आपको इन सभी बॉक्सेस को टिक कर देना है। इन सभी सेटिंग्स को मैच करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड फाइनली आपको इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा पाइचाम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर आपको पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा पाइथन इंटरप्रेटर और पाइचाम आईडी दोनों सही से हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पाइचाम आईडी को रन करने के लिए इसका आइकन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जब आप आईडी को पहली बार अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद रन करते हो तो कुछ इस तरह की पाइचाम यूजर एग्रीमेंट विंडो आपके सामने आ जाती है। आपको सबसे पहले इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है, देन आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको डोंट सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है और पाइचाम आईडी की वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर देना है, तो मैं जस्ट टाइप करता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपकी आईडी ऑटोमेटिकली आपके बेस इंटरप्रेटर को डिटेक्ट कर लेगी, जो आपने अभी कुछ मिनट पहले अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा था। देन यहाँ से आपको इस बॉक्स को अनटिक करके क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी पाइथन फाइल का नेम टाइप कर देना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और एंटर हिट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रिंट कमांड टाइप करके देखता हूँ। तो
तो यहाँ पर मैंने अपना पाइथन का कोड लिख लिया है। अब इसे रन करने के लिए मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर मेरा पाइथन प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। यार वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद या फिर काम आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर इस चैनल की वीडियो पहली बार देखी है या फिर चैनल को पहली बार विजिट करा है यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल से आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा के लिए।